क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो था वो था कि टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स माइनस वन, इसका आंसर माइनस वन आ रहा था। तो आमतौर पर स्टूडेंट क्या कहते हैं, और चीज़ सही भी है, कि टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक साथ आए हैं तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आपके पास माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लो, कब ऐसा होता कब है। अगर देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है, मैं साइन के केस में लिखता हूं, एक आप इस तरह लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, मतलब इनवर्स को बाहर लिखो और नॉर्मल को आपने अंदर लिखा हुआ है, साइन को अंदर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स को बाहर लिखा हुआ है, इधर आपने टेंजेंट इनवर्स को अंदर लिखा था, टेंजेंट को बाहर लिखा था। अब देखने में तो लगता है कि कोई मसला नहीं करेंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क अभी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या है, थीटा के बराबर है। ठीक है, और अगर आपके पास आए साइन और उसके अंदर इनवर्स हो, आप एक्स ले लेते हैं तो वो एक्स के बराबर है। अब आमतौर पर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, इस पूरी चीज का आंसर भी एक्स के बराबर है और इस पूरी चीज का आंसर भी थीटा के बराबर है। ठीक, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है। देखो इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसमें मैं बताऊंगा इसमें कोई इशू नहीं है, जैसे इसमें कोई इशू नहीं था इसमें भी कोई इशू नहीं है। मसला आता है इसके अंदर, क्यों मसला आता है, ये जो पूरा आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी बोल दो जो बोलना है बोल दो इसको, ये जो है ये वैलिड तब है जब आप या थीटा की जगह, थीटा मतलब एंगल को आप पुट कर रहे हो, या क्योंकि साइन है ना, साइन के अंदर आप एंगल ही पुट करोगे, तो यहाँ जो भी आप एंगल पुट कर रहे हो वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए, माइनस 90 डिग्री, ये कि वो एंगल माइनस 90 से बड़ा या उसके इक्वल, या एंगल जो है 90 डिग्री से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये इसके अंदर अंदर है तो तब आपको आंसर देगा थीटा के बराबर, अगर इधर जो एंगल आप पुट कर रहे हो वो इसके अंदर नहीं है तो आपको ये एंगल, मतलब जो इधर एंगल लिखा होगा वो आंसर इधर नहीं आएगा। जैसे सिंपल कैलकुलेटर में आप लिखो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो कैलकुलेटर आपको रिजल्ट में 30 दे रहा होगा। ठीक है, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हो साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री, अब भी कैलकुलेटर आपको 30 डिग्री दे रहा है, तो अब आपकी टेक्निक वैलिड नहीं है, ये कि साइन इनवर्स और साइन आपने कैंसिल किया तो वो वाला एंगल आ रहा है। तो इसके आप लोगों के मुताबिक तो 150 आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर आपको क्या देगा, 30 डिग्री देगा। तो अब उसको समझो ऐसा होता क्यों है। देखो मैंने ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया थीटा इसके अंदर होना चाहिए, अब देखो ये इसके अंदर नहीं है ना, तो अब आंसर भी आपका गलत आ रहा है। ठीक, उसकी रीजन क्या है कि देखो जब आप साइन 30 डिग्री पुट कर रहे हो लेट से, तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 1/2 आ रही है। साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 के बराबर होता है, साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, जो पूरी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि इनवर्स फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि आपने ऐसा एंगल कौन सा पुट किया था जिस पे रिजल्ट आपको 1/2 मिल रहा है, तो आंसर में आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिलती है, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री होगी। हालांकि 150 डिग्री पे भी 1/2 होता है साइन, लेकिन आपको कैलकुलेटर 30 डिग्री देगा क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, इस रेंज के अंदर अंदर होती है। खैर वो अलग चीज था, अलग चीज है, वो मैंने पहले बता दी थी आप लोगों को। तो इस वाले केस में ये चीज वैलिड है, लेकिन जब आप इसके अंदर साइन 150 डिग्री पुट कर रहे हो तो अंदर आपको अभी भी आंसर क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, लेकिन साइन इनवर्स 1/2 हमेशा कैलकुलेटर आपको 30 डिग्री देगा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर हमेशा आपको प्रिंसिपल वैल्यू देगा। तो आप अंदर 30 डिग्री पुट करो या 150 डिग्री पुट करो, ब्रैकेट के अंदर आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। कैलकुलेटर में वेरीफाई करके देख लेना, साइन 30 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री, ब्रैकेट के अंदर आपका 1/2 आंसर आएगा। तो साइन इनवर्स 1/2, ये जो इनवर्स साइन है, अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो हमेशा आपको प्रिंसिपल वैल्यू देगा, और अगर प्रिंसिपल वैल्यू देगा तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, ना कि 150 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप खुद भी सॉल्व करो तो इस चीज को जहन में रखना, अगर आप खुद ये चीज सॉल्व करो तो जहन में रखना कि ये आइडेंटिटी ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, थीटा के बराबर आ जाएगा, लेकिन उस वक्त आएगा जब थीटा इसके अंदर अंदर है, अगर इसके अंदर नहीं है तो ये आंसर इसके बराबर नहीं आएगा। अच्छा, जब आप लोगों को ये समझ आ जाए तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोगों के पास सिंपल ये क्वेश्चन आए, ठीक है, अब आपको कैसे पता, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसके अंदर जो थीटा होना चाहिए वो इसके अंदर होना चाहिए। अगर इसके अंदर अंदर कोई भी एंगल आ रहा है, लेट्स से अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री, तो आप आंखें बंद कर दिए इसका आंसर 45 डिग्री लिख दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो इधर एंगल पुट किया गया थीटा वो इसके अंदर है, तो इसका आंसर 45 डिग्री होगा। लेकिन अब आपके पास आ गया 150 डिग्री, अब आपको पता है इसका आंसर 150 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये आइडेंटिटी उस वक्त वैलिड है जब थीटा इसके अंदर हो, और थीटा इसके अंदर नहीं है, 150 बाहर है।
तो अब आपको कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा कैलकुलेटर अगर आपके पास ना हो। अच्छा एक चीज़ मैं स्किप कर गया वहाँ बताना, तो मैंने कहा यहाँ बता देता हूँ। देखो अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो ये बताया कि जब भी, अभी मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कॉस और टेंजेंट भी इंक्लूड कर देता हूँ ताकि मुकम्मल तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर यहाँ जो आप एंगल पुट करोगे, ठीक है, अगर ये एंगल इस रेंज के अंदर है, ठीक है, अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 या इक्वल टू 90 होगा, या अगर ये लेस देन 90 या इक्वल टू 90 हो, ठीक है, तो तब तो आप डायरेक्ट जो इधर एंगल लिखा हुआ होगा ना, आप डायरेक्ट आंसर में वो वाला एंगल लिख दोगे। लेट से अगर आप यहाँ 45 डिग्री लिखा हुआ हो तो आप डायरेक्ट आंसर में क्या लिख दोगे, 45 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एंगल आ जाए जो इस रेंज के अंदर नहीं है, तो उसके बाद आप टेक्निक क्या करोगे, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में एक टेक्निक बताई थी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने की टेक्निक मैंने बताई थी। सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, 150 डिग्री। 150 डिग्री ड्रॉ कैसे करोगे, ये पूरा आपके पास बन जाएगा 150 डिग्री। देखो टोटल पूरा होता है 180, तो 30 इतना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये आपके पास 150 डिग्री एंगल बन गया। अब मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था रेफरेंस एंगल का। रेफरेंस एंगल क्या होता है, ये टर्मिनल साइड और ये एक्स एक्सिस, इनके दरमियान एंगल क्या है। तो दिखने में आपको लग रहा है एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो साइन 150 डिग्री बराबर होगा साइन 30 डिग्री के। बस आखिरी स्टेप ये होता है कि आपने साइन डिसाइड करना होता है। अब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, ठीक है। तो पॉजिटिव एस के साथ पॉजिटिव साइन लगा दो, दैट्स इट। तो आपको पता है साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब जो एंगल 30 डिग्री है आपको पता है इसके अंदर आ रहा है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब साइन और साइन इनवर्स को आप कैंसिल कर दो, आंसर 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगर आप कॉस की बात करो, अगेन अगर आप मैं कॉस इनवर्स फंक्शन की बात करूँ, तो उसमें आपके पास जो वाई वैल्यू होती है, जैसे इसमें जो भी एंगल आपके पास आ रहा है, बेहतर तरीका ये आप इसे वाई लिख लो, क्योंकि इनवर्स में आप वाई से शो करते हो एंगल को, ठीक है। तो इसमें रेंज ये थी, तो कोसाइन में क्या होती है, वाई जो होता है वह जीरो से बड़ा होता है और लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसके दरमियान कोई भी एंगल आ रहा है तो डायरेक्ट आप वो एंगल लिख दे हुए। लेट से अगर यहाँ मैं 135 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 135 डिग्री, तो डायरेक्ट आंसर में आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस को कॉस इनवर्स से कैंसिल करना, 135 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 135 डिग्री जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है। लेकिन अभी आपके पास है 225 डिग्री, अगेन रेफरेंस एंगल निकालो। 225 डिग्री कहाँ पे होगा ये देख लो, ये आपके पास पूरा 180 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ये पूरा एंगल जो है ये आपका पूरा एंगल हो जाएगा 225 डिग्री का। 180 यहाँ तक होता है, 180 में 45 डिग्री ऐड करो तो नीचे आ गया, ठीक है, तो ये आपका पूरा 225 डिग्री हो जाएगा। अगेन आप रेफरेंस एंगल निकालो। रेफरेंस एंगल क्या होता है, इस लाइन जिसको टर्मिनल वो साइड बोलते हैं हम, और ये एक्स एक्सिस जो है इसके दरमियान एंगल कितना है। आपको पता है ये पूरा 180 था, आपने 45 ऐड किया था, तो ये पूरा कितना है आपके पास, 45 डिग्री है। तो कॉस 225 डिग्री जो है ये बराबर होगा कॉस 45 डिग्री के। आखिरी चीज़ होती है साइन डिसाइड करना। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस 225 डिग्री किसके बराबर होगा, माइनस कॉस 45 डिग्री के बराबर होगा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा -1/√2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको असल में अब वैल्यू निकालनी होगी -1/√2। ये टेक्निक इसलिए बता रहा हूँ अगर आपके पास एंट्री टेस्ट में काम आएगी, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तब आप ये निकाल सकते हो। अब मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि कॉस इनवर्स -1/√2 कैसे निकालोगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉस के अंदर ऐसा कौन सा एंगल पुट किया जिस पे आपको -1/√2 वैल्यू मिल रही है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जो यूनिट सर्कल में एक्स होता है कॉस के बराबर, ठीक है, तो एक्स वैल्यू आपको -1/√2 के यहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है। -1/√2 का मतलब होता है -0.7, ठीक है, -1 यहाँ पे है तो ये -0.707 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना होगा, देखो आपको पता है 1/√2 यहाँ पे होता है, ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला पूरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो पूरा ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 45, मतलब 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कॉस इनवर्स, जो कॉस इनवर्स -1/√2 क्या होता है, 135 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और देखो एक एंगल ये भी बन रहा था नीचे वाला, लेकिन ये आपके पास बन रहा था 225 डिग्री, और 225 डिग्री इस रेंज से बाहर है, तो मैंने 135 डिग्री यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे।
अगेन जो मैं पहले जितनी चीज़ें बता चुका हूँ वो सब इस जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें सब अप्लाई हो रही है। तो पहले आप देख लो, क्योंकि मैं इतना दोबारा एक एक चीज़ समझाऊँ तो मसला हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको कवर करवा रहा हूँ। फिर लेट से टेंजेंट 35, अच्छा टेंजेंट 35 की भी जो आउटपुट जो इन्वर्स है ना, टेंजेंट इन्वर्स फंक्शन जो है, टी कैपिटल कर लो इसका, इसमें भी जो आउटपुट वाई वैल्यू है वो आपकी होती है -90 से बड़ी और 90 से छोटी होती है। इसके दरमियान को एंगल होगा तो डायरेक्ट आप लिख दोगे। लेट से अगर यहाँ 45 डिग्री होता, आप डायरेक्ट आंसर 45 डिग्री लिख देते इसका, लेकिन अभी है 135 डिग्री, इसका मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा। अब अगेन 135, टेंजेंट 135 डिग्री, ये किसके बराबर होगा? आप अगेन एंगल बनाओ, 135 डिग्री के यहाँ पे होगा, ठीक है। ये 90 प्लस 45, 135 डिग्री। रेफरेंस एंगल क्या होगा? 180 में से 135 को माइनस करो, रेफरेंस एंगल आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो टेंजेंट 135 डिग्री बराबर होगा टेंजेंट 45 के। अब सिर्फ आपने साइन डिसाइड करना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो टेंजेंट 135 किसके बराबर है? माइनस टेंजेंट 45 के। टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या करो, टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 कैलकुलेट करो। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह कैलकुलेट करना है। सिंपल, आपको पता है यूनिट सर्किल में यहाँ पे 45 डिग्री पे टेंजेंट जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो ठीक, आप एक इधर लाइन बना दो और एक आप इधर लाइन बना दो, यहाँ पे भी टेंजेंट की वैल्यू माइनस 1 होगी, और अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दो यहाँ पे भी टेंजेंट की वैल्यू माइनस 1 होगी, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा एंगल बनाओ, ये पूरा एंगल होगा 135 डिग्री का, क्योंकि अगर ये छोटा सा 45 है तो ये भी 45 है, 180 माइनस 45, 135 डिग्री। तो ये पूरा 135 होगा और ये पूरा माइनस 45 डिग्री होगा, क्योंकि आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो। अब 135 डिग्री इसकी रेंज से बाहर है, लेकिन माइनस 45 डिग्री इसकी रेंज के अंदर है। तो इस पूरी चीज़ का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी ये टेक्निक होंगी आपकी। अगर आपके पास एंगल सारे रेडियन के अंदर आ रहे हैं, लेट्स से सब रेडियन में गिवन होते हैं, 150, 225, ये तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको अपने रफ वर्क में रेडियन को डिग्री में चेंज कर लेना, और डिग्री में आपको असल में आसानी हो जाती है। तो पहले कैलकुलेट करके एंड पे जो आंसर होगा आपका डिग्री में आ रहा होगा, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना, तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर आप आ जाओ, अगर आपका साइन बाहर हो और इनवर्स अंदर हो, इधर इनवर्स बाहर था, साइन अंदर था, अगर ये वाली कंडीशन हो तो इसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स एक्स, इसमें जो भी आपके पास इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स साइन फंक्शन होता है, उसके अंदर आप एक्स क्या पुट कर सकते हो, माइनस वन से लेके आप वन पुट कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आपने कुछ भी पुट किया, आपने यहां पे लेट्स से 1/2 पुट कर दिया, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है, और साइन 30 डिग्री क्या होगा? 1/2 के बराबर होगा। तो अगर साइन बाहर हो और साइन इनवर्स अंदर हो तो फिर तो आपको मसला नहीं है, आप एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मतलब इसके अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं हो इसके, इसके बाहर तो एरर दे देगा, क्योंकि इनवर्स साइन के अंदर आप 1 और माइनस 1 के दरमियान कुछ पुट करते हो। तो जब वो पुट करोगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होगा, तो जो आपने पुट किया था वही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो साइन साइन इनवर्स 1/2 का डायरेक्ट आंसर आप 1/2 लिख सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी पुट कर दो, लेट से 1 पुट कर दो, या 1 और माइनस 1 के अंदर कुछ भी पुट कर दो, जो आप पुट करोगे वही आपके पास आंसर होगा। तो साइन और साइन इनवर्स के केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनवर्स साइन और साइन, जब इनवर्स बाहर हो और साइन अंदर हो, तब आपको ध्यान में रखना है जो अंदर एंगल है वो इसके अंदर होना चाहिए। अगर इसके अंदर नहीं है तो रिजल्ट में आपको वही वाला एंगल नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा, ठीक है।